देख रहे हैं जिस तरह से अब पूरे देश भर में गर्मी बढ़ रही है, जो हमें उड़ीसा की खबरें मिल रही है, तो ये पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग अधिक हो रही है, जो मौसम में गड़बड़ आ रही है उसके सबसे ज्यादा बुरे प्रभाव खेती पर पड़ते हैं। ज्यादा बारिश होने से, सूखा पड़ने से और अंधेरी झक्खड़ आने से हमारी फसलों के नुकसान बड़ी तादाद में होते हैं। और अभी कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या मोदी सरकार, इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा अधिक ग्रीन हाउस गैस अमेरिका पैदा कर रहा है, चाइना पैदा कर रहा है। भारत में अगर परिस्थिति देखें तो इंडस्ट्री का सबसे अधिक योगदान है वायु प्रदूषण में, और इसी इंडस्ट्री ने जो हमारी जमीन के नीचे के पानी है वो खराब किए हैं। इनके लिए कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत है जो खेती को प्रभावित न हो सके। इसलिए हमने अपनी मांगों में ये मांग रखी है कि फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर लागू करे, इसका हमें कोई फायदा हो सके, जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हमारा कुछ फायदा हो सके। इसी के साथ साथ जो अब आप देख रहे हैं, जो अमेरिका में स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं, एक दो किस्म, एक इसराइल के पक्ष वाले, एक फलस्तीन के पक्ष वाले, तो अमेरिका सरकार को जो विद्यार्थी है उनके मानवाधिकारों का ख्याल रखना चाहिए, इक्वलिटी से उसको संभालना चाहिए, विद्यार्थियों के ऊपर जबर नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो हमारे मोर्चे ने जो ऐलान किया भाजपा गठजोड़ का विरोध करेंगे, वो सफलतापूर्ण पूरे देशभर में चल रहा है सवाल जवाब का सिलसिला। भाजपा हमारे सवालों के जवाब देने से भाग रही है, और इसी के साथ साथ जो विपक्ष के दल हैं उनसे भी हम सवाल कर रहे हैं और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये मोर्चा तब तक जारी रखेंगे जब तक इस मोर्चे का कोई ठोस निर्णय हो नहीं जाता। और इसी के साथ साथ हम पूरे देश भर के किसानों को, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, राजस्थान के किसानों को ये कहेंगे कि जो 22 का बड़ा ऐलान हमने किया, अभी 100 दिन पूरे हो रहे हैं 22 मई को, उसमें लाखों का इकट्ठ करेंगे। सभी को आह्वान है, माताएं बहनें, किसान, नौजवान, सभी इस मोर्चे पर पहुंचे अधिक से अधिक। और 19 मई को हरियाणा में कैथल में बड़ी महापंचायत की जा रही है। हरियाणा के सभी निवासियों को बेनती है कैथल में अधिक से अधिक पहुंचे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।